गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर माई अर्ली होम रीडिंग एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग इज़ आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। मैं अपनी माँ की एडवाइस को, नसीहत को नहीं भुला पाया। आई न्यू, मैं जानता था, शी वॉज़ अ वाइज ओल्ड हॉर्स, वो एक अक्लमंद बूढ़ा घोड़ा थी। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और हमारे आका ने उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ था। हर नेम वॉज डचिस, उसका नाम डचिस था, बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, लेकिन वो उसको अक्सर उसका पेट कहता था। आवर मास्टर वॉज ए गुड काइंड मैन, गेव अस गुड फूड, हमारा आका जो था वो एक बहुत अच्छा और मेहरबान जो था वो इंसान था, और हमें जो है वो अच्छी खुराक देता था। द नेक्स्ट लाइन्स आर गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स, अच्छे तरीके से हमें जो है वो हमारी हमारा क़याम जो था, हमारा जो रिहाइश हमें देता था, अच्छी लॉजिंग मीन्स ओके एंड गुड एंड काइंड वर्ड्स, और मेहरबान अल्फाज अदा करता था। ही स्पोक्स अस एज काइंडली टू अस एज ही काइंडली टू अस एज एज ही डिड, जितना कि वो हमें जितनी मेहरबानी से वो हमें बुला सकता था वो उतना बुलाता था, मीन्स के वो पूरे मेहरबानी से हमें बुलाता था। एंड ही एज ही डिड टू हर लिटिल चिल्ड्रन, जैसा कि वो अपने बच्चों के साथ करता था। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम सब उसके बहुत शौकीन थे। एंड माई मदर लव हिम वेरी मच, वो मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। व्हेन शी सॉ हिम एट द गेट, जब वो उसको गेट पर देखती थी, शी वुड नो विद जॉय, वो खुशी से हिनहिनाती थी। एंड ही टॉट अप टू हिम, और वो उसको उसके साथ खेलती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से वेल ओल्ड पैट, वो उसको पैट यानी प्यार से हाथ हिलाता था, एंड स्ट्रोक हर, और उसके ऊपर यानी कि छड़ी प्यार से लगाता था एंड से, और कहता था वेल, बहुत खूब ओल्ड पैट, प्यारी घोड़ी। एंड हाउ इज़ योर लिटल डार्की, तुम्हारा डार्की छोटा कैसा है। आई वॉज द डल ब्लैक सो डैट ही कॉल्ड डार्की, मीन्स कि यहाँ पे वो हॉर्स अपना बता रहा है कि मैं थोड़ा डल ब्लैक था इसलिए मुझे वो डार्की कहता था। एंड देन ही वुड गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, वो फिर हमें खाने के लिए ब्रेड का टुकड़ा देता था, विच वॉज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा होता था। एंड समटाइम्स ही ब्रॉट ए कैरेट फॉर माई मदर, मेरी माँ के लिए कैरेट लेकर आता था। एंड ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम, सारे हॉर्सेज उसकी तरफ आ जाते थे। आई थिंक वी वर हिज फेवरेटीज, आई थिंक मुझे मेरा ख्याल है कि हम उसकी फेवरेट थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन एंड टू द मार्केट डे इन ऑल लाइट गिग, यानी कि मेरी जो माँ थी वो हमेशा उसको बड़े मज़े से लेकर मार्केट तक भी जाती थी, घुमाती थी, भराती थी, यानी कि वो उसका मास्टर जो था उसके साथ उसके ऊपर बैठ कर जाता था। देर वॉज ए प्लग बॉय डिक, एक प्लग बॉय था, हल चलाने वाला लड़का डिक जिसका नाम था, हु समटाइम्स केम इन टू अवर फील्ड टू प्लक ब्लैक बेरीज फ्रॉम द हेज, वो कई दफ़ा हमारे पास आता था ब्लैक बेरीज को पकड़ने के लिए। व्हेन ही हैड ईटन ऑल द ऑल ही वांटेड, ही वुड हैव टू कॉल ही फन विद द कोल्ड्स, वो जो था बछड़े जो थे उनके साथ बहुत मज़े से खेलता था, थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स जो था वो फेंकता था उनकी तरफ एट देम टू मेक देम गैलप, के वो उनको यानी कि भगा सके। नेक्स्ट इज वी डिड नॉट माइंड हिम, हम उसका बुरा नहीं मनाते थे, मच ऑफ फॉर वी कुड गैलप ऑफ, हम उसके साथ बहुत खेलते रहते थे, दौड़ते भागते थे। बट समटाइम्स ए स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, मगर कई मरतबा वो जो पत्थर था हमें ज़ोर से लगता और हमें हीट करता और हमें ज़ख्मी करता। वन डे ही वॉज एट दिस गेम, एक मरतबा वो खेल खेल रहा था, ही डिड नॉट नो डैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, वो नहीं जानता था कि अगले फील्ड में अगले खेत में आका बैठा हुआ है, यानी कि उसका मास्टर बैठा हुआ है। बट ही वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ था, वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन, कि वो क्या कर रहा है। ओवर द हेज ही जम्प्ड इन अ स्नैप एंड कैचेस डिक बाय द आर्म, ही गिव हिम सच अ बॉक्स
on the ear as made him roar with the pain and surprise. Means ke as soon as we saw the masters who trotted up nearer to see what went on. Bad boy, he said, bad boy, to chase the course. This is not the first time, not the second, but it shall be the last. There, take your money and go home. I shall not want you to on my farm again. It means कि वो जो लड़का था वो शरारतें करता था क्योंकि horses के साथ, तो एक मरतबा वो नहीं जानता था कि उसका आका उधर बैठा हुआ है, बट वो उधर था और उसने बड़े, यानी कि वो खेल रहा था, उसने बाय द आर्म, उसने यानी कि पकड़ लिया था उसको, उसकी यानी कि जो दुम जैसे कि होती है हॉर्स की, और उसके ऊपर जंपिंग कर रहा था. एंड सच अ बॉक्स टू ईयर, और उसके कानों में यानी कि वो एज मेड हिम रोअर विद द पेन एंड सरप्राइज, और उसके कानों में ऊँची ऊँची आवाज़ें यानी कि हॉर्स के लगा रहा था और उसको सरप्राइज़ कर रहा था, उससे उससे तकलीफ़ भी हो रही थी. लेकिन वो आका जो था वो नेक्स्ट बैठा हुआ था, उसने कहा कि बैड बॉय क्या कर रहे हो तुम, टू चेस द कोल्ट के, तुम क्यों यानी कि बछड़ों को जो है वो तंग कर रहे हो. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एंड द सेकेंड, ये पहली मरतबा और आखिरी मरतबा है. बट आई शेल बी द लास्ट, लेकिन आई शेल बी द लास्ट, लेकिन मैं आखिरी था. दे आर टेक योर मनी एंड गो होम, मीन्स कि वो उसका आका उसको डांट रहा था और उसने कहा अपने पैसे लो और दफ़ा हो जाओ घर. आई शेल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं तुम्हें दोबारा अपने फार्म में नहीं देखना चाहता. सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, फिर हमने डिक वहाँ कभी नहीं देखा. ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेज वॉज जस्ट अ जेंटल एज अवर मास्टर, सो वी वर वेल ऑफ. अडोप्टेड बाई ब्लैक ब्यूटी बाय एना स्विल. ओके, एना सिविल जो थी उसने ये मतलब एक पोएम, उसकी जो एक बुक थी ब्लैक ब्यूटी, उसमें से ये जो है वो लाइन्स ली गई हैं. वो तो ओल्ड एंड इसके बारे में यानी कि ये उसके रिमेम्बरसेस हैं कि वो कैसे रिमेम्बर करता था और कैसे वो इन्जॉय करता था हॉर्स.